हेलो जी, मैं आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में नहा धोकर और झाड़ू पोछा सारा काम निपटा के। तो ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। तो आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे भगवान और सबको खुश रखे, अपने अपने घरों में स्वस्थ रखे। और यहाँ पर देखो, आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे भगवान जी के। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर। और आप बने रहिए मेरी वीडियो देखने के लिए। और आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी ने 14 की है, किसी ने 15 की है। तो 14 की हो या 15 की हो, आपको शुभकामनाएं। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे यहाँ तो धूप निकल रही है, कहीं कहीं तो धूप भी निकल रही, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो ठंड से बचकर रहना। तो चलिए दिखाते हैं और क्या करते हैं क्या नहीं करते। वीडियो ऐसी बनती है, मुझ पर ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, पर जैसी भी है देख लिया करो। कोई खास वीडियो तो मुझसे नहीं बनाई जाती, बस जैसी है देख लिया करो, पसंद आए तो देख लिया करो। हेलो जी, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बिजनेस करने। हाँ, बिजनेस करने जा रहे हैं हम। बिजनेस करने जा रहे हैं हम। चल मन करता है, हो रात में ही करो, मेरे से नहीं होगा, तुम्हारे से मन नहीं होगा। चलो जी, रगड़ता जा रहे हैं। हाँ तो इस मैं सिर पर नहीं, मैं थोड़ा सिर पर रख लूंगी। बढ़िया। हेलो जी, हम पहुंच चुके हैं रश्मि कलेक्शन। रश्मि कलेक्शन में पहुंच चुके हैं हम शॉपिंग करने के लिए, लक्की की शादी की। हाँ, लक्की की शादी की शॉपिंग करने के लिए। बात कर रही, ऑन करानी। ये हो गया खड़ा। जनवरी के बाद क्यों? 15-20 दिन बहुत हैं। हाँ, मतलब जनवरी, ये देखो, अगर गर्मी का 15 दिन चलता हूँ सर्दी का तो महीना चलना चाहिए। क्या है इसमें? तो ये बढ़िया हो गया था, जिन्ना जानना सब कुछ ध्यान चाहिए। मैं अंडर थी, देखो जी कितनी हरियाली हरियाली, कितना प्यारा लग रहा। पर सबके मकान बन जाएंगे यहाँ पर, ये सब प्लॉट बिक गए हैं। ये है मासियर का बराबर में। अच्छा, ये मासियर का है, वहां तक है क्या? न्यू भर रही है ये? नहीं, अच्छा वो रोड है, ये पता है कि इधर है मासियर का, यही होगा। हेलो जी, हम आ गए अपनी दुकान में। अच्छा, खुशी तो चले गई। तो हम आए हैं अपनी दुकान पे, और रश्मि की और मेरी दुकान में थोड़ा सा ही अंतर है, बहुत कम अंतर है रश्मि की और मेरी दुकान में। हमारी एक साथी होगी, तो जब रश्मि अपनी दुकान क्या करेगी तो मैं भी आ जाया करूँगी इस बहाने। सही बात है नहीं, फिर हम दोनों आ जाया करेंगे, पैदल जाया करेंगे, पैदल आए करेंगे और दोनों आ जाया करेंगे। थोड़ा सा ही अंतर है मेरी दुकान और इसकी में। हमारी बिल्कुल रोड पे है। ये देखो दोनों मेरी चुगली कर रहे हैं, नुकारे हमारे रोड पे। देखो भाई, हमारी रोड पे है ना, हमारे मेन रोड पे है, हमारी मेन रोड पे, और इनकी ना हटके है, थोड़ी इनकी हटके है। गुड्डन को पूछ ले, गुड्डन को, गुड्डन को पूछ ले, गुड्डन पेटी खाएगी तेरी बीमारी हो जाती। ला दे, ला दे इसकी भी, ला दे रिंकी के लिए। चलो चलो चलो, ये बन गए मखाने। मखाने हमने भून लिए हैं, चाय छानते हैं। ये अनार भी दिखा दे इसका, ये कैसे अनार खाता है। कमजोरी मम्मी मारी है, अनार ये खाता है ना। चाय छान लेती हूँ, तू पिएगा चाय? नहीं मैं नहीं पीता हूँ। पी लिए थोड़ी सी? नहीं। तो देखिए ये मखाने हो गए, ये चाय ले जाई जा रही है।
लोही चाय पी लीजिए, मखाने खा लीजिए। तो मैं चलाऊंगी मलाई, आ गई किचन में। कभी सुबह से लाइट भाग रही, कभी आ रही, कभी आ रही, अब आ रही है, अब देखते हैं लाइट कब तक रहेगी। बहुत दिन की मलाई होगी। अब बनता है दूध गाय का। पहले थैलियों के दूध की मलाई नहीं निकलती, अब भैंस का दूध कहीं मिल नहीं रहा, मिल रहा है पर बहुत दूर मिल रहा है। माँ ना मैं जा सकती हूँ, बच्चे कह रहे पर वो ही हो जाता है, हमने नजदीकी सामने आंटी के यहाँ बनता है गाय का दूध, गाय का अच्छा रहता है। दो तीन मिनट लगे और मेरी मक्खन बनकर हो गया है तैयार। ये देखिए, इसे बहुत वक्त कम वक्त लगता है, लेकिन ये मेरा शायद खराब हो गया, डायरेक्ट हो रहा है। बटन चलाते ही ये बटन ना, ये फ्री हो गया शायद, दिखा गया होंगी इसको, ये खराब हो गया क्योंकि बटन दबाते हैं तो डायरेक्ट चल पड़ती है। तो मेरा मक्खन बनकर हो गया तैयार और बहुत सारे पानी से मैंने इसे धो भी लिया है, धो लिया है और अब मैं गर्म कर लेती हूँ। गर्म करने साफ किया है, किचन साफ करी, किचन ना चिकनाई चिकनाई से होती है, छींटे लग लग के। और इतना मेरा घी गरम हो चुका है, घी निकल चुका है, तो देर नहीं लगी, ज्यादा नहीं देर लगी होगी, मलाई कम थी। तो चलिए इसको छान भी लेते हैं। ये देखो हमारा घी भी निकल के हो गया तैयार, हो गया गरम सा हो रहा। तो देखिए हमारा घी निकल कर हो गया तैयार, गाय का भी मिक्स है इसमें, पीला पीला सा निकला। और हाँ, कई कमेंट आए हुए थे इस पेंटिंग के लिए, हॉर्स पेंटिंग है जो, कि ये ना उल्टी लग रही है, इनका मुंह ना इधर हो रहा है। तो मुझे तो पता नहीं है मुझे पता नहीं है, मैंने तो यही दीवार खाली लगी। ये पेंटिंग कई कमेंट थे जिसने भी देखा था, मतलब 7-8 कमेंट थे,
तो ये दीवार मुझे खाली लगी तो मैंने इस दीवार पे ही लगा दी थी, और मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे इतना नहीं पता, मैंने कहा मुँह इधर जाना चाहिए हॉर्स का या किधर जाना चाहिए। अब मैं दीवार देख रही हूँ कि मैं किधर लगाऊँ, अब इधर लगाऊँ तो इनका मुँह इधर चला जाएगा, फिर सीढ़ियों से ये बाहर चले जाएंगे। तो सोच रही हूँ कि कहाँ लगाऊँ, ये अगर इनका मुँह मतलब अपने घर की तरफ होना चाहिए, अगर अपने घर की तरफ होना चाहिए इनका मुँह, तो ये लगेगी दक्षिण वाली दीवार पर, ऐसे इस साइड लगेगी, तब इनका जो मुँह है वो हमारे घर की तरफ आएगा। तो देखती हूँ जगह कहाँ मिलती है इस पेंटिंग के लिए, तो ये ज़रूर निकालूँ, क्योंकि आपने अच्छे के लिए बोला होगा मुझे, जो भी बोलते हो आप अच्छे के लिए बोलते हो, आपको नॉलेज है, मुझे इतना नहीं पता था, ध्यान नहीं दिया था मैंने इतना लेते वक्त। तो चलिए मैं इस पेंटिंग की कोशिश करूँगी, पहले मैं इन बातों को बहुत मानती थी लेकिन अब नहीं मानती। तो चलिए, वास्तुशास्त्र की बातें भी सही होती है जैसा भी है, पहले मैं वास्तुशास्त्र को इतना मानती थी, ये जगह इधर नहीं इधर नहीं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लगानी पड़ जाती है, जैसे मेरा बेड है, बेड क्या है मेरा दक्षिण दिशा की तरफ हम पैर होते हैं हमारे, तो मैंने चारों तरफ घुमा के देखा, क्योंकि अगर इस साइड करती हूँ ऊपर से ले पा रहा है, इस साइड बिछाती हूँ अपने बेड को तो क्या हो रहा है कि खिड़की बंद हो जाती है, तो कुछ घर ही कुछ ऐसे बने हुए हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी हमारा सब कुछ ऐसे ही होता है। जैसे एक बार पंडित आया तो कह रहे आपके मंदिर ना सही नहीं है, सही दिशा में नहीं है, क्योंकि मंदिर की जगह सिर्फ कहाँ लग रही थी, दक्षिण दिशा में। तो पंडित आए तो कहने लगे नहीं आपकी तो ये ना मंदिर जो है ना आपका सही दिशा में नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह देखती हूँ कोशिश करके। फिर दूसरा एक बार और पंडित आया था, वो भी बोलने लगा कि आपकी ना तो बेड की दिशा सही है और ना ही मंदिर की दिशा सही है। तो मैंने क्या काम किया, तो मैंने जो था वो मंदिर उसी दिन चेंज कर दिया, कोशिश करके ना अलमारी वलमारी इधर खिसका के वो करके सामान थोड़ा सेटिंग सा करके मैंने मंदिर की दिशा सही दिशा में कर दिया। तो मेरे लिए पता नहीं अच्छा हुआ या खराब हुआ, मैं तो उसे खराब ही मानती हूँ, मतलब दूसरे तीसरे दिन बाद ही लक्की के पापा चले गए थे, मतलब तो पता नहीं वास्तुशास्त्र की वजह से मेरे घर, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, क्या पता अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ या क्या हुआ। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा मानती थी वास्तुशास्त्र को, लेकिन जब से वो हुआ मैंने कहा बताओ मंदिर चेंज करते ही मतलब दूसरे तीसरे दिन इसके पापा मुझसे अलग हो गए थे, तो पता नहीं वो अच्छे के लिए हुआ था या है, तो मेरे लिए और बच्चों के लिए तो बहुत ही बेकार हुआ था, पर शायद भगवान जो भी चाहता है वो अच्छे के लिए करता है। शायद मुझे आप YouTube पर ना देखते, कुछ ऐसा हो जाता, क्राइम पेट्रोल में देख लेते, क्राइम पेट्रोल में हमारी स्टोरी बन जाती है ना। लक्की कार्तिक है ना, कार्तिक क्या पता आप लोग हमें YouTube पर ना देखते हुए क्राइम पेट्रोल में देखते, अच्छा ही किया जो भी हुआ। तो वास्तुशास्त्र को वैसे तो भगवान की ना हर जगह भगवान की होती है, चारों तरफ भगवान ही है, तो कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि घर कुछ ऐसे बने होते हैं कि हम लाख कोशिशों के बाद भी अपना कुछ चेंज नहीं कर पाते। तो चलिए बहुत बातें हो चुकी हैं, तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है। वैसे आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, तो प्लीज़ मुझे प्यारे प्यारे कमेंट ही करें, अगर नहीं अच्छी वीडियो लगती तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं कमेंट मत करना, पर अगर अच्छी नहीं वीडियो लगती ना तो कमेंट मत करना, बस कोई बात नहीं। तो चलिए बाय बाय।